Hi guys, welcome back to my channel. This is Zainab Khan. So in this video you will see what is BB cream, what is CC cream, BB cream and CC cream versus foundation, BB and CC cream versus tinted moisturizer and when to use these products. So let's get started the video. First question है, what is BB cream? तो guys, beauty balm, blemish balm और BB cream आप कुछ भी इसको बुला सकते हो. BB creams में even out skin tone और blemishes को correct करने की ability होती है. BB क्रीम का कवरेज फाउंडेशन से लाइट होता है, फाउंडेशन का कवरेज इससे हैवी होता है. अगर आपको फाउंडेशन से फाउंडेशन का कवरेज हैवी लगता है सो आप BB क्रीम को यूज़ कर सकते हो. और तो और BB क्रीम्स स्किन केयर बेनिफिट्स भी ऑफर करती हैं. BB क्रीम सनस्क्रीन भी कंटेन करती हैं और उसके की इंग्रेडिएंट्स हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपकी स्किन को रेडिकल्स और डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. और बीबी क्रीम्स में आपको शेड्स भी कई सारे मिल जाते हैं. तो अभी देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना होता है. आपको एक स्मॉल अमाउंट लेना है और फिर उसको अपने फोरहेड, चीक्स, नोज एंड चिन और फिर इसको आप अपनी फिंगर्स या वेट स्पॉन्ज या फिर फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड कर लेना है और ये एकदम ब्यूटीफुल और ग्लोई फिनिश देगा. और आपको इसे यूज़ कब करना है ये भी देख लेते हैं. तो अगर आपको लाइट मिनिमल मेकअप लुक चाहिए, टिंटेड मॉइस्चराइजर से लिटिल मोर कवरेज चाहिए सो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं सीसी क्रीम की. अभी हमने बीबी क्रीम के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे सीसी क्रीम की. सीसी क्रीम को कलर करेक्टिव और कलर कंट्रोल के नेम से भी जाना जाता है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन सीसी क्रीम एंड बीबी क्रीम इन टेक्सचर. अब हम डिफरेंस देखेंगे टेक्सचर में इन दोनों क्रीम्स के. जबकि सीसी क्रीम्स बीबी क्रीम से लाइटर होती हैं टेक्सचर में, बट फिर भी वो आपको फाउंडेशन जैसा कवरेज देती हैं. जो सीसी क्रीम के पीछे कॉन्सेप्ट है ये ब्लॉचीनेस, रेडनेस और हाइपर पिगमेंटेशन इवन करता है. तो सीसी क्रीम भी अच्छा होता है. तो अगर आपको बीबी क्रीम से स्किन इश्यूज होते हैं, किसी किसी को हो जाते हैं जैसे डिस्कलोरेशन और रेडनेस, तो आप सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो. और इसमें कलर करेक्टिव क्वालिटीज़ भी होती हैं और ये लोगों को एक बेटर फिट देती है जिनको लिटिल मोर कलर बैलेंस चाहिए होता है. और सीसी क्रीम भी सेम बीबी क्रीम की तरह लगाई जाती है. और अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप इसे कलर करेक्टिव प्राइमर अंडरनीथ फाउंडेशन की जगह भी यूज़ कर सकते हो. नाउ लेट्स सी व्हेन टू यूज़ सीसी क्रीम. तो अगर आपको ऐसा बेस प्रोडक्ट चाहिए जो कि लाइट वेट हो बट वो डिस्कलोरेशन और रेडनेस को कंसील करे तो आप सीसी क्रीम को यूज़ कर सकते हो. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बीबी क्रीम एंड सीसी क्रीम वर्सेस फाउंडेशन. तो जो फाउंडेशन होता है वो आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करने में वर्क करते हैं और तो और कैमोफ्लॉजी वर्क करता है. तो आप सबको मालूम होगा पास्ट के फाउंडेशन थिक और पिकी होते थे स्किन पर, बट जो अप्लाई होती थी वो कम्फर्ट और फिनिश फार्मूला देती है. और जो फाउंडेशन होता है उसकी कंसिस्टेंसी टिंटेड मॉइस्चराइजर से थिक होती है. और अगर हम बात करें बीबी क्रीम और सीसी क्रीम की तो ये थिकनेस फ्रॉम वाइड रेंज में ये दोनों ही बेस की प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, लाइट टू मीडियम टू हैवी. और इनमें अलग अलग स्किन टोन्स के हिसाब से अलग अलग शेड्स भी अवेलेबल होते हैं. और ये दोनों ही एवरीडे वियर और स्पेशल ओकेजन्स जिसने कि हैवियर कवरेज चाहिए होता है उसमें ये दोनों ही यानी कि सीसी और बीबी क्रीम अच्छे होते हैं. और ये दोनों ही एवरीडे वियर में भी आप यूज़ कर सकते हो और स्पेशल ओकेजन्स में भी लाइक कहीं जाना है, स्पेशल ओकेजन्स कभी कभी पड़ जाते हैं सो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो सीसी और बीबी. और अब हम सीसी क्रीम और बीबी क्रीम को अप्लाई करने का तरीका सीख चुके हैं और अब सीखेंगे फाउंडेशन को अप्लाई करने का तरीका. तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन लगाना स्टार्ट करना है अपने फेस के प्रॉब्लम एरियाज से जिनको ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत होती है और फिर जो भी अदर एरियाज बचे हैं फेस के फिर वहाँ पर ब्लेंड करना है. तो फाउंडेशन के साथ आपको सेवरल लेवल्स मिलती हैं कवरेज की, फ्रॉम शीट टू फुल, बट फिर भी इसका कवरेज टिंटेड क्रीम से कम होता है. और आपको फाउंडेशन से फिनिश मैट सेटिन एंड दैट विल कॉम्प्लीमेंट योर स्किन टाइप. फिर चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या नॉर्मल हो या ड्राई हो, बट कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है तो कुछ लोगों की, मैं सबकी नहीं बोल रही हूँ बस कुछ लोगों की, सो वो मैट फाउंडेशन नहीं लगा सकते बिकॉज उससे किसी किसी की स्किन डल दिखती है. सो आई प्रेफर लाइट टू मीडियम कवरेज विद मोर ऑफ ए ड्यूई फिनिश. और जिन जिनकी ड्राई स्किन है उनको मीडियम कवरेज नेचुरल या ड्यूई फिनिश या बिल्डेबल मैं प्रेफर करूँगी. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चूज़ योर सेल्फ. तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन और नॉर्मल है, ना ही तो ऑयली और ना ही तो ड्राई, तो अ फाउंडेशन विद सेटिन फाइंस इज गुड फॉर दोज विद वेरी ऑयली स्किन. सो एक मैट फुलर कवरेज फाउंडेशन आपकी हेल्प करेगा आपके फेस पर जो भी ऑयल प्रोडक्शन होता है उससे कंट्रोल करने में और काफ़ी टाइम तक चलता भी है ऐसा फाउंडेशन. नाउ लेट्स सी व्हेन टू यूज़ फाउंडेशन. तो अगर आपको सेवरल लेवल्स का कवरेज चाहिए फ्रॉम शी टू फुल और फाइन अ फिनिश दैट फिट्स योर स्किन स्पेसिफिक नीड, सो
आप फाउंडेशन को तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको सेवरल लेवल्स का कवरेज चाहिए हो, शीट टू फुल, या आपको एक फिनिश कवरेज चाहिए हो जो कि आपकी स्किन को फिट करे एकदम, मतलब आपके लुक को अच्छा करे। वैसे तो सारी चीज़ें लुक को अच्छा करती है, जैसे क्रीम, बीबी क्रीम या कोई भी हो, फाउंडेशन हो। तो अब हम बात करेंगे नाउ और लास्ट टॉपिक इज़ बीबी क्रीम एंड सीसी क्रीम वर्सेज टिंटेड मॉइस्चराइज़र। सो टिंटेड मॉइस्चराइजर्स बेस्ट है और नेचुरल लुक दिखाने के लिए। एक टिंटेड मॉइस्चराइजर मिनिमल कवरेज देता है, जबकि बीबी क्रीम्स और सीसी क्रीम में एसपीएफ और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वाइल टिंटेड मॉइस्चराइजर सिर्फ आपकी स्किन हल्का सा टिंट देते हुए मॉइस्चराइज करते हैं, बिकॉज ये फेस क्रीम और फाउंडेशन का ब्लेंड होते हैं और आप अपनी फिंगर्स से इसको अप्लाई और ब्लेंड कर सकते हो। तो नाउ लेट्स सी व्हेन टू यूज़ टिंटेड मॉइस्चराइजर, कब यूज़ करना है हमें टिंटेड मॉइस्चराइजर। थोड़े से कलर के साथ स्किन केयर मेकअप हाइब्रिड प्रेफर करते हो तो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं टिंटेड मॉइस्चराइज़र को। एंड तो ये मैंने आज सारा कुछ बता दिया है इन सब के बारे में, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन एंड टिंटेड मॉइस्चराइज़र। काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि व्हाट, मतलब क्या होता है क्या होता है, तो आज मैं बता चुकी हूँ। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इफेक्टिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो या समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।